Hello students, today we will start numerical treatment of bilirubin exchange. In my previous video, I taught you about the theoretical treatment of the bilirubin exchange, but today we will discuss the numerical treatment of bilirubin exchange. In numerical treatment of bilirubin exchange, we have four cases. Case number one is when the bill retained by the drawer till the due date. The meaning of this line is, let take one example. Suppose A sold goods to B on 1st January 2016 for ₹50,000 for 3 months. It means A ने B को सामान बेचा है 50,000 रुपीस का 1st January 2016 को 3 months के लिए. तो ये गुड्स गया, उसने सिग्नेचर की है B ने, और ये बिल आ गया वापस A के पास. तो जो बिल सिग्नेचर करकर बी ने ए को रिटर्न किया है, वो ए के लिए है बच्चों बिल रिसीवेबल और बी के लिए है बिल्स पेबल. अब इस बिल को ए तब तक अपने पास रिटेन करेगा जब तक बी ड्यू डेट को ए को पैसे ना दे, यानी कि मनी ना दे दे, दैट इज 50,000. जब बी ड्यू डेट को 50,000 रुपीस ए को पे कर देगा तो ए इस बिल को रिटर्न कर देगा वापस बी को. तो उसका कंक्लूजन ये है कि ए इस बिल को तब तक अपने पास रखेगा जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती. एंड ड्यू डेट विल बी सपोज 1st जनवरी इज द डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड टर्म ऑफ बिल इज 3 मंथ एंड 3 डेज इज ग्रेस पीरियड. द फॉर्मूला ऑफ द ड्यू डेट इज इक्वल टू देन इज डेट ऑफ ड्रॉइंग प्लस टर्म ऑफ बिल प्लस ग्रेस पीरियड. सो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज 1st जनवरी इन दिस केस एंड द टर्म ऑफ बिल इज 3 मंथ एंड प्लस 3 डेज एंड ड्यू डेट विल बी 4 अप्रैल. तो 4 अप्रैल बी इस बिल की पेमेंट ए को करेगा और ए बी के सिग्नेचर किया हुआ बिल वापस बी को रिटर्न करेगा. तो इसका मतलब है कि ये बिल ए के पास तब तक रहेगा जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती और ए इस बिल को रिटेन करेगा टिल द ड्यू डेट. नाउ सम जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन. सपोज वी हैव टू पार्टीज इन दिस केस. फर्स्ट वन इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज एग्जांपल ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1st April 2016 for rupees 50,000 for 3 months. B accept it and return it to A. The bill was met on the due date. So, what make necessary journal entries in the books of A and B? So, what type of journal entry we will make in this example? Let's see. In the books of A and in the books of B. Now, first journal entry, A sold goods to B. So, 2016, 1st April, B debited, B's account debited to sales account. And journal entry will be B goods sold to B. A ने B को goods sold किया, तो इस condition में जो B है वो goods purchase करेगा. 2016 first April का purchase account debit to A. B goods purchased.
ना ऑन 1 अप्रैल, अब बी सिग्नेचर कर कर वापस इस बिल को ए को देगा और ए इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, देखें, बी आर अकाउंट डेबिटेड टू ए बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और यहां पर सेम कंडीशन में जब एक्सेप्टेंस गिवन की, जो बी ने सिग्नेचर करके दिया, एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री बनेगी बच्चों, और वो एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बी एक्सेप्टेंस गिवन। अब इसकी जो ड्यू डेट मैंने अभी आपको बताया था कि क्या आएगी, 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल जब आप एंट्री बनाएंगे तो बी जो है वो ए को पेमेंट कर देगा ड्यू डेट पर, तो ए के पास कैश आ जाएगा और जो बी का सिग्नेचर किया हुआ बिल था वो ए वापस कर देगा बच्चों बी को, इसलिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी आर। सिमिलरली यहाँ पर अब ये सिग्नेचर जो बिल था वो ए ने बी को वापस कर दिया, तो ए के पास वो बिल वापस आ गया और ए के लिए वो बिल्स पेबल था, उसकी लायबिलिटी कम हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट। सो नरेशन विल बी बिल मेट ऑन ड्यू डेट, और यहां पर जो बी बिल पेड ऑन ड्यू। सो दीज आर द जनरेटरी इन केस नंबर 1, राइट। नाउ वी विल डिस्कस केस नंबर 2। Case number two is when the bill discounted by the bank before due date. Let's take one example. Suppose A or B. A ने B को समान किया 1 अप्रैल को बेटा, 1 अप्रैल 2017। ए ने बिल भी भेजा, बी ने बिल सिग्नेचर करे, ए के पास बिल वापस आया, तो ए के लिए बिल रिसीवेबल है और इसके लिए बिल पेबल है। अब इस बिल का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का है और जो अमाउंट है वो 50,000 रुपीज की है। तो इट मीन्स ए को इस बिल की जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी ड्यू डेट पर, और ड्यू डेट क्या आएगी, what will be the due date? The formula of the due date will be what? Date of drawing plus term of bill plus grace period. Suppose 1 अप्रैल को बिल लिखा है आपने, term of bill 3 महीने का है, तो अप्रैल से लेकर अगर आप जाएं 3 महीने बाद तो आपके पास डेट आएगी बेटा 1 जुलाई, और 1 जुलाई में अगर आप 3 डेज प्लस करेंगे तो ड्यू डेट विल बी 4 जुलाई। इसका मतलब है बी इस बिल की पेमेंट ए को जो करेगा वो करेगा बेटा 4 जुलाई, लेकिन ए को इस पैसे की मनी की नीड अभी है, 50,000 रुपीज की नीड अभी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और अगर ए इस बिल को बैंक में रख दे, बैंक से जल्दी पैसा लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अगर ए इस बिल की पेमेंट ड्यू डेट से पहले बैंक से लेता है या बैंक से डिस्काउंटेड कराता है, तो उस कंडीशन में बैंक उस चार्जेस डिडक्ट कर देता है बिल के, और उस चार्जेस को बेटा हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, राइट। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, लेट्स टेक सम एग्जांपल, राइट। सपोज सम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन गुड्स सोल्ड, जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉवी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट।
यहाँ पर बेटा गुड्स परचेज करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर, सेकेंड एंट्री विल बी, सेकेंड एंट्री विल बी व्हेन एक्सेप्टेंस रिसीव, एंट्री विल बी पीआर अकाउंट डेबिटेड और टू ड्रॉवी, सेकेंड एंट्री व्हेन एक्सेप्टेंस गिवन जर्न एंट्री बी ड्रॉवर डेबिटेड टू बिल्स टेबल एंड व्हेन बिल डिस्काउंटेड, थर्ड केस इज व्हेन बिल डिस्काउंटेड द जर्न एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू बी आर अकाउंट, जो बिल्कुल डिस्काउंटेड करा सकता है वो सिर्फ ड्रॉवर ही करा सकता है, ड्रॉवी के पास ये पावर नहीं है कि वो बिल्कुल डिस्काउंटेड कराए, तो डिस्काउंटेड के केस में सिर्फ ड्रॉवर की बुक में एंट्री बनेगी, ड्रॉवी की बुक में एंट्री नहीं बनेगी, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे नो एंट्री, राइट। नाउ फोर्थ, तो व्हाट विल द फोर्थ एंट्री, व्हेन बिल पेड ऑन द ड्यू डेट, अब ड्रॉवर तो इस बिल की पेमेंट बैंक से पहले ही ले चुका है, ठीक है, तो उसे ड्यू डेट को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले ही बैंक से पेमेंट ले चुका है, इसीलिए यहां एंट्री बनेगी नो एंट्री। और फोर्थ एंट्री में व्हेन बिल पेड ऑन द ड्यू डेट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि जो ड्रॉवी है अब ड्यू डेट को जो पेमेंट करेगा वो बैंक को करेगा, तो सिर्फ ड्रॉवी ही पेमेंट करेगा बैंक को ड्यू डेट को, और ए इस बिल की पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही ले चुका है, इसीलिए ड्यू डेट पर इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। नाउ टेक वन एग्जाम्पल, सपोज राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर रुपीज 75,000 ऑन 1st अप्रैल 2016 फॉर 3 months, राइट। श्याम एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू राम, राम डिस्काउंटेड द बिल बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, मेन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, तो हाउ वी विल टेक जर्नल एंट्रीज, लेट सी। सो दिस इज क्वेश्चन, नाउ solution of this question, first entry will be Shyam debited to sales account, and here is date is 1st April 2016, here again 2016 1st April purchase account debited to
wrong. Amount is 75,000. Here is also 75,000. यहाँ पर भी 75,000 है और यहाँ पर भी 75,000 है. 2016 में acceptance received किया था. तो BR account debited to Shyam being acceptance received. ये acceptance received करी है हमने. तो 75,000. अब नाउ एक्सेप्टेंस गिवन, जो सिग्नेचर बी ने ए को करके दिया उसकी एंट्री क्या बनती है क्या? तो राम, राम्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल 75,000. अगर क्वेश्चन में ये ना गिवन कि बिल को डिस्काउंटेड कब कराया है ड्रॉवर ने, तो हम हमेशा इस बात को एज्यूम करके चलेंगे कि जिस दिन हमने बिल राइट किया उसी दिन हमने बिल को डिस्काउंटेड करा दिया. तो बिल को हमने राइट किया है 1 अप्रैल, तो डिस्काउंटेड की एंट्री बनती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर. हाउ वी कैलकुलेट डिस्काउंटिंग चार्जेस? द अमाउंट ऑफ बिल इज 75,000, रेट इज 6% and duration is 3/12, right? So what will come? 0, 0, 3, 4, 12. अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी वो बताएं मुझे फटाफट से. आप देखें इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, आप चेक करें पहले. तो इसकी कैलकुलेशन है बच्चों, जस्ट अ मिनट, आई एम कैलकुलेटिंग. 750 डिवाइडेड बाय 4 into 6, it is 1125. So discounting charges will be 1125. 75,000 में से बैंक ने 1125 डिडक्ट कर लिया, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी बच्चों, जो रिसीव करेंगे राम, वो होगी 1125. इट मींस राम विल रिसीव 73,875 रुपीज. एंड डिस्काउंटेड की एंट्री कभी भी ड्रॉवी के बुक में नहीं बनती, इसीलिए यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं नो एंट्री, बट अदरवाइज नो नहीं, राइट? अब ये बिल ड्यू डेट पर पेड भी हुआ है ना, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? ड्यू डेट क्या आएगी? 4 जुलाई को. तो 4 जुलाई को तो ड्रॉवी, जो ड्रॉवर है, वो इस बिल की पेमेंट पहले ही ले चुका है, तो जो ड्यू डेट आएगी तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं बनेगी. लेकिन 4 अप्रैल को जो ड्रॉवी है उस बिल की पेमेंट बैंक को करेगा, तो उसके लिए एंट्री बनेगी बच्चों, बिल्स पेबल आ जाएगा और कैश चली है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एंट्रीज ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस. इफ यू हैव एनी डाउट इन ईच एंड एवरी एंट्री, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू वेरी मच.